नमस्कार दोस्तों, हम अभी जस्ट आ गए हैं यूट्यूब पर। अभी ट्रैकमैन के समस्या के बारे में समझेंगे बारी बारी से। हमारे बहुत सारे ट्रैकमैन साथी यहाँ पर हैं और बहुत सारे काम के बारे में, विभिन्न तरह के काम हैं जो ट्रैकमैन के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि आपको इस काम के दौरान में क्या क्या परेशानियाँ होती है, किस तरह से परेशानी होती है और किस तरह से परेशानी उठाते हैं। बहुत सारा काम ऐसा है जो दबाव स्वरूप काम लिया जाता है, और बहुत सारा काम ऐसा भी है जो दबाव स्वरूप नहीं लिया जाता है। इसके बारे में हम प्रत्येक ट्रैकमैन से बारी बारी से पूछेंगे कि आपको किस तरह की समस्या होती है। बहुत सारा समस्या ये भी है कि काम करने के बाद भी आदमी को अब्सेंट कर देता है, उसको चार्जशीट बना देता है, तो इस तरह से समस्या हम ट्रैकमैन के बारे में जानकारी लेंगे। आइए पहले जानकारी हम साथियों, अभी एक ट्रैकमैन है बिजली DT-Mart यूनिट बिजली से, सिंटू कुमार, उससे आप समझेंगे कि कार्य के दौरान आपको किस तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, आप कैसे करते हैं, कितना आपको प्रताड़ित किया जाता है, कैसे कार्य के दौरान आपको दबाव बनाता है और किस तरह से बनाता है, इसके बारे में समझेंगे सिंटू कुमार से। आइए, हाँ सिंटू जी, आप बोलिए कि कार्य के दौरान आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। काम भी करवाता है, बोलता है अब्सेंट कर दीजिए, प्रेशर डालता है, यही मुकदम। तो ये मतलब किस लिए, क्यों मुकदम, जब आप काम करते हैं तो क्यों प्रताड़ित करता है, क्यों कहता है कि अब्सेंट कर देंगे या चार्जशीट देंगे, क्यों बोलता है, क्या कारण है, क्या उसको इस तरह की समस्या पड़ गई कि ऐसा बात बोलता है? वो अपना मन से बोलता है ताकि प्रेशर बना रहे ट्रैकमैन पर। नहीं तो देखिए, प्रेशर आजकल, देखिए प्रेशर बनाने से क्या होता है कि प्रेशर में आजकल कितना आत्महत्या कर ले रहा है ट्रैकमैन हमारे साथी, तो आत्महत्या कर ले रहा है, दबाव उस पर जा रहा है, दबाव ज़्यादा बनाने से आत्महत्या हो रही है, ट्रैकमैन उसको सहन नहीं कर पाता है। बहुत सारी चीज़ है, जैसे काम आप कर रहे हैं तो काम के बाद क्या आपको बोला जाता है कि काम करोगे उसके बाद चार्जशीट दिया जाएगा, या काम नहीं करोगे तब दिया जाएगा? काम नहीं करोगे तब चार्जशीट दिया जाएगा। नहीं तो काम ऐसा तो नहीं, आप कार्यस्थल पर पहुँचते तो काम तो ज्यादा दे देगा तो उतना काम छोड़ू होगा, एडवांस काम दे देता है, जितना होगा उतना ही करेंगे। हाँ, ये सिंटू जी ने सही बताया है कि कार्य क्षमता से ज़्यादा कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि कार्य क्षमता से ज़्यादा किसी को कार्य ना दिया जाए, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होती है उतना ही काम दिया जाए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके और उस पर दबाव भी नहीं रहे, क्योंकि आए दिन ट्रैकमैन दबाव स्वरूप में आकर के आत्महत्या कर रहा है। एक तो काम हार्ड है, दूसरे में ऊपर से मुकदम जेई प्लस अधिकारियों का दबाव रहता है, और इस दबाव के कारण आजकल हमारा ट्रैकमैन बिल्कुल एकदम नीचे से नीचे दबता हुआ चला जा रहा है, अपनी समस्याओं को उठा नहीं रहा। अगर कोई ट्रैकमैन जो इस समस्या के बारे में समझता है, जो कहता है कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, कुछ सहयोग करता है, कुछ नहीं भी करता है, हमारा ही ट्रैकमैन साथी हमारी ही समस्या का निदान करने से सक्षम नहीं होता है, वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम ट्रैकमैन साथी से ये कहेंगे कि आप लोग एक गठन में रहिए, क्योंकि हमारा एसोसिएशन भी बन गया है और हम अपना एसोसिएशन के तले रहिए और अपनी समस्याओं को आगे तक पहुंचाइए, और आगे तक पहुंचाने में अगर परेशानी हो रही है तो हम अपने यूनिट में ही मिल कर रहें और अधिकारियों तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं कि कार्य के दौरान हमें क्यों चार्जशीट दिया जाता है और छुट्टी क्यों नहीं दिया जाता है।